न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इनका निर्माण कोई भी देश सेल्फ डिफेंस के लिए करता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर गलती से भी ये किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि भला न्यूक्लियर वेपन्स कैसे किसी गलत हाथों में जा सकता है। तो बता दें कि निर्माण के बाद या फिर समय समय पर इन न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दरअसल जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को देश के अलग अलग हिस्सों में छुपा कर रखते हैं। और ऐसा कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला देश इसलिए करता है ताकि अगर दुश्मन देश के हमले में अगर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स डैमेज भी हो जाए तो बाकी के न्यूक्लियर वेपन्स उनके सेल्फ डिफेंस के लिए बचे रहे। न्यूक्लियर वेपन्स को देश के अलग अलग हिस्सों में छुपा कर रखने के पीछे की एक और वजह ये भी है कि काफी लंबे समय तक इनका इस्तेमाल न होने के कारण इन वेपन्स के पार्ट्स में जंग लग जाते हैं और इसीलिए इनको मेंटेनेंस के लिए एक निश्चित समय पर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब चूंकि इन वेपन्स को समय समय पर ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो ऐसे में इस पर अटैक होने की या इसे चुराने की कोशिश तो की ही जाती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इन्हें बर्बाद करना या चुरा लेना लगभग नामुमकिन टास्क के बराबर है। और वो कैसे, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि ऐसी ही जरूरी वीडियोस आपके चैनल पर अपलोड होते ही आसानी से मिल जाए। दोस्तों, इन न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के दौरान ऐसी कौन सी सुरक्षा प्रदान होती है जिस वजह से गलत इरादे वालों के लिए चुराना या बर्बाद करना लगभग असंभव होता है? अगर आप भी ये नहीं जानते तो फिर आज की ये खास वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर वेपन्स को देश के किन हिस्सों में छुपा कर रखा जाता है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। और जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव होती है, ठीक उसी तरह इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सिक्योरिटी भी काफी टाइट होती है। इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि आपको लगेगा कि किसी भी देश के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षा तो इन न्यूक्लियर वेपन्स को दी जा रही है, और दी भी क्यों न जाए, क्योंकि ये वेपन्स प्रलयकारी होते हैं। ऐसे में इनका नुकसान होना या चोरी होना न सिर्फ उस देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, बात अगर केवल अमेरिका की ही करें तो अब तक हजारों दफा न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मेंटेनेंस के लिए ले जाया गया है, लेकिन अब तक एक बार भी इसकी सिक्योरिटी को भेदना या छेड़छाड़ करने की जरूरत किसी ने नहीं की है। दरअसल इसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त और परफेक्ट होती है। हालांकि ये भी सच है कि इन न्यूक्लियर वेपन्स को आम रास्तों से ही ले जाया जाता है। दोस्तों, आप वीडियो में जिस गाड़ी को देख रहे हैं उसमें न्यूक्लियर वेपन है, और सड़क से गुजरने वाली इस गाड़ी के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं, और इन पुलिस की गाड़ियों के बीच में जितनी भी गाड़ियां हैं ये हैं असल कन्वॉय। इनमें बख्तरबंद गाड़ियां ट्रक के करीब करीब एक खास डिस्टेंस के साथ और साथ साथ चल रही हैं, और इन गाड़ियों को केवल बुलेट प्रूफ कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ से भी बढ़कर हैं। इन गाड़ियों में हाईली ट्रेड कमांडोज मौजूद होते हैं जिनके पास हैंडगन्स, शॉटगन्स और एसॉल्ट राइफल्स के साथ साथ लाखों राउंड मौजूद होते हैं। बता दें कि उनकी गाड़ियों में छेद भी होते हैं जिसके जरिए ये न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की रक्षा करते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर काउंटर अटैक भी करते हैं। दोस्तों, इस दौरान कन्वॉय की सभी गाड़ियां आपस में रेडियो के जरिए कनेक्ट होती हैं। अगर किसी भी तरह के खतरे को महसूस किया जाता है तो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी इस दौरान एक दूसरे से शेयर की जाती है। समय समय पर बख्तरबंद के एजेंट अपने कन्वॉय की दूसरी गाड़ियों से अपडेट्स भी लेते रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कन्वॉय इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ भी कनेक्ट होते हैं। आपातकाल स्थिति के दौरान बैकअप फोर्स भी मंगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो अपने सिक्योरिटी और ट्रेंड कमांडोज के बारे में जाना जो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर पूरी प्लानिंग के तहत अगर इन कमांडोज पर हमला करके इन्हें मार दिया जाए और इस सुपर हाई सिक्योरिटी को भी भेद दिया जाए तो क्या न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में चला जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। जी हां, इसके बावजूद भी न्यूक्लियर वेपन्स पर कब्जा करना नामुमकिन ही होगा। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों, दरअसल जिस बख्तरबंद ट्रक में न्यूक्लियर वेपन होता है
वो कोई मामूली ट्रक नहीं होता। जी हाँ, इस ट्रक को खास न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा के लिए ही तैयार किया जाता है। बता दें कि इस ट्रक का वजन ही 25,000 किलोग्राम होता है, जिसकी बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है। ये इतनी हार्ड होती है कि इस पर आम आर्म्ड टूल्स काम ही नहीं करते, ना ही इसकी बॉडी को ग्राइंडर से काटा जा सकता है और ना ही ड्रिलिंग मशीन ही इस पर काम करती है। अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट होने पर ट्रक पलट भी जाए तो इसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इस ट्रक का ड्राइवर केबिन भी बुलेट और बम प्रूफ होता है। साथ ही ट्रक के दरवाजे को किसी भी सूरत में केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। हालांकि इस ट्रक की एक कमजोरी भी है, और वो कमजोरी ये है कि ज्यादा वजन होने के कारण ट्रक बहुत धीमी गति से मूव करता है। साथ ही ये शार्प टर्न भी नहीं ले सकता। लेकिन दोस्तों, इसकी यही कमजोरी इसकी मजबूती भी साबित होती है। अगर किसी कारणवश ये मान लिया जाए कि ट्रक गलत हाथों में पड़ गई है, तो इसे तेजी से कोई भी दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। साथ ही ट्रक पर कब्जा करके इसको वहां से ले जाने के दरमियान ट्रक के एक्सेल पर लगे एक्सप्लोसिव फट जाएंगे, जिससे ट्रक के चक्के अलग हो जाएंगे और इसकी बॉडी जमीन पर गिर जाएगी। अब चूंकि ट्रक का वजन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसे वहां से खींच कर ले जाना पॉसिबल ही नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद भी अगर इसके कंटेनर को खोलकर न्यूक्लियर वेपन को चुराने की कोशिश की जाए, तो बता दें कि इसके कंटेनर को खोलने का एक्सेस तो कन्वॉय एजेंट के पास भी नहीं होता है। जी हाँ, इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे होते हैं, जिनकी चाबियां नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं। और अगर इस स्थिति में भी जबरदस्ती ट्रक के कंटेनर को खोला जाए, तो इसके कंटेनर को खोलने वाले का सामना अंदर मौजूद ऑटोमेटिक स्प्रे गन से होता है, जो कि बहुत ही गाढ़ा और चिपकने वाला स्प्रे छोड़ता है। और अगर इस स्प्रे से भी वो लुटेरे बच जाएं, तो उन्हें अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से 6 गुना अधिक जोरदार होती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी कितनी हाई होती है। बता दें कि इसके अलावा भी इस जत्थे की निगरानी आसमान से 2 हेलीकॉप्टर्स कर रहे होते हैं। जी हाँ, और इन हेलीकॉप्टर्स में भी ट्रेंड कमांडोज किसी भी खतरे से निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। बता दें कि हेलीकॉप्टर्स के फ्यूल खत्म होने की स्थिति में भी जब तक 2 हेलीकॉप्टर्स पहले से मौजूद हेलीकॉप्टर्स की पोजीशन नहीं ले लेते, तब तक उन हेलीकॉप्टर्स को वहां से नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जवाब मिल गया होगा कि क्यों और कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के दौरान इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ या इसकी चोरी नहीं की जा सकती। ये काम बिल्कुल ही असंभव है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।